तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं सुपर संडे के बाद सुपर मंडे। और सुपर मंडे किसका है? सीएसके और एलएसजी का मुकाबला होना है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और एक्स फैक्टर खिलाड़ी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और एक्स फैक्टर खिलाड़ी। अब बात करते हैं फैंटेसी, क्योंकि आप लोगों की फैंटेसी पर बड़ी नजर होती है कि कौन से खिलाड़ी पर दाव लगाएं, कैसे कैसे टीम बनाएं, किस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखें, किस खिलाड़ी को जगह दें। ये क्योंकि आईपीएल में भाई ये क्रेज होता है फैंटेसी का, और हर कोई फैंटेसी में अपने किस्मत आजमाने की कोशिश करता है। तो चलिए आपको फैंटेसी के टिप्स बताते हैं। हर मुकाबले के मैं आप लोगों को बता देता हूं, हर मुकाबले से पहले मैं ये बता देता हूं कि खिलाड़ी की फॉर्म फिटनेस जरूर ध्यान रखें, नंबर का ध्यान रखें, विपक्षी टीम के खिलाफ उसके आंकड़ों का ध्यान रखें ताकि आप कभी भी धोखा ना खाएं। और दूसरी बात क्या है, टॉस का जरूर ध्यान रखें। बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि मैच से पहले बनाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, चार खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते हैं, वहां पर नुकसान हो जाता है। तो टॉस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि जिसको आपने कैप्टन बनाया वो साला खेल ही ना रहा हो, तो भाई यहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, टॉस का ध्यान रखना है, खिलाड़ी की फॉर्म फिटनेस का ध्यान रखना है, और उसके बाद में क्या ध्यान रखना है, उसके विपक्षी टीम के खिलाफ कैसे आंकड़े हैं यह जरूर ध्यान रखना है, और विपक्षी टीम की गेंदबाजी कैसी है, क्यों अगर बल्लेबाज को कैप्टन बना रहे तो यह भी ध्यान रखना है कितनी मजबूत है, और अगर गेंदबाज को बना रहे हैं तो विपक्षी टीम की बल्लेबाजी कैसी है यह भी ध्यान रखना है। तो यहां पर अब सीएसके और लखनऊ दोनों टीमों की फैंटेसी टिप्स क्या है ये चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। लगभग मेरे हिसाब से वही टीम होगी। सीएसके में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए टॉस का जरूर ध्यान रखें। सीएसके में बदलाव संभव है, कुछ बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है आपको रहाने खेलने को मिले, तो मैंने रहाने को लिखा है, हो सकता है रायडू की जगह आपको रहाने खेलते हुए मिले, तो इसलिए ये टॉस का जरूर ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं आपको, टॉस का जरूर ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या काम करना है कि कौन कौन से खिलाड़ी लेने हैं ये मैं बता देता हूं। लखनऊ की तरफ से कौन से लेने हैं, लखनऊ की तरफ से आप दीपक हुड्डा को ले लेना, मेरे हिसाब से दीपक हुड्डा कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। स्टोइनिस को ले लेना, स्टोइनिस आपको चलते हुए नजर आएंगे, निकोलस पुरन को ले लेना, वो भी चलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में आप रवि बिश्नोई को ले लेना, अपने घर में मुकाबला हो रहा है, रवि बिश्नोई बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, चेन्नई की पिच पर वैसे भी स्पिनर्स को मदद मिलती है, और देखिए इनफॉर्म खिलाड़ी हैं। अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, मेयर्स और बदोनी दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, मेयर्स और बदोनी, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी चल सकती है, तो मेरे हिसाब से मेयर्स और बदोनी, क्योंकि बिश्नोई मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हालांकि इनका लखनऊ वालों का अपना घरेलू मैदान तो इकाना स्टेडियम है, लेकिन रवि बिश्नोई वहां की पिच पर कामयाब साबित हो सकते हैं, वहां की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो इसलिए रवि बिश्नोई वहां पर कामयाब हो सकते हैं, इसलिए रवि बिश्नोई को ले लेना। अब यहां पर मेयर्स और बदोनी दोनों में से देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना कि किसको ले सकते हैं। मेयर्स ने पहले मुकाबले में रन बना दिए हैं, शायद दूसरे मुकाबले में उनका तोड़ निकाले सीएसके, और शायद वो सीएसके के खिलाफ रन ना बना पाए, तो यहां पर थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि केएल राहुल हो सकता है कि कमबैक करें, तो ये चीजें आप एक बार देख लेना कि केएल राहुल के ऊपर भी क्या आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन 100% कौन से खिलाड़ी लेने वो मैं बता देता हूं, उसके बाद में कुछ खिलाड़ी जो है वो आप सेटलमेंट कर लेना। 100% दीपक हुड्डा को ले लेना, स्टोइनिस को 100% ले लेना, उसके बाद में निकोलस पुरन को 100% ले लेना, तीन और बिश्नोई को 100% ले लेना, चार खिलाड़ी इनके 100% हो गए हैं जिनको आप ले लेना, उसके बाद में अपने हिसाब से अपने विवेक के हिसाब से अपनी टीम को बना लेना। उसके बाद में क्या है, मैं सीएसके की तरफ से बता देता हूं, सीएसके की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेविन कोनवे को आप 100% ले लेना, मेरे हिसाब से मोइन अली को 100% ले लेना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा को 100% ले लेना, मेरे हिसाब से नंबर तीन खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद दीपक चाहर को आप 100% ले लेना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कमबैक करेंगे दीपक चाहर, दो विकेट कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दीपक चाहर लखनऊ के खिलाफ लेने वाले हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी पिच पर खेलेंगे तो शायद दीपक चाहर बेहतर होंगे। अब चार खिलाड़ी इनके हो गए 100%, अब आपको क्या करने, आठ खिलाड़ी हो गए तो तीन खिलाड़ी आपको और चुनने हैं, तो तीन खिलाड़ी कौन से चुनने हैं आपको, आप यहां पर रहाने और बेन स्टोक दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, रहाने और बेन स्टोक दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर रहाने और कोनवे दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, तीनों में से किसी एक बल्लेबाज को चुन लेना जिसको आप बेहतर समझे, रहाने स्टोक्स और उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़, ये जो थे ना ऋतुराज गायकवाड़, तो यहां पर आप इन तीनों में से किसी एक को चुन लेना, ये आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद में कितने खिलाड़ी हो गए आपके, पांच खिलाड़ी इधर से हो गए, यहां पर आप फिर एक स्पिनर्स के तौर पर मेरे हिसाब से यहां पर पांच खिलाड़ी हो गए आपके। अब बात आते हैं इधर से, तो इधर पे आप क्या करना, मार्क वुड या जयदेव आवेश खान दोनों में से किसी एक को चुन लेना, मार्क वुड या आवेश खान दोनों में से किसी एक को चुन लेना, कितने हो गए, पांच इनके हो गए आपके 10
खिलाड़ी, अब 10 खिलाड़ी हो गए हैं, अब आपको चुनना है एक खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी क्या चुनना है आपको, शिवम दुबे या फिर पांड्या, दोनों में से किसी एक को रख लेना, शिवम दुबे या पांड्या दोनों में से किसी एक को रख लेना। तो आपके लिए शायद मेरे हिसाब से बेहतर होगा शिवम दुबे या पांड्या दोनों में से किसी एक को रख ले, तो आपके खिलाड़ी हो गए हैं 11। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत जरूरी है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर देखिए, हमेशा जो लोग गलती करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में, कैप्टन और वाइस कैप्टन में हमेशा जब जिस ऐप पर आप खेल रहे हैं वहां पर यह देखना कितने पॉइंट्स हैं। कोशिश करना ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को, अगर बेहतर है तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को आप कैप्टन बना सकते हैं, जैसे कि काइल मेयर्स ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे पिछले मैच में रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे पिछले मैच में रन बनाए। इसी तरीके से ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों पर आप ज्यादा दाव लगाएं तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर होगा, जैसे कि मोइन अली एक कैप्टन के बहुत बढ़िया मटेरियल है इस मुकाबले में, शायद आपको बेहतर पॉइंट दे सकते हैं, गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी भी बेहतर कर सकते हैं, तो मोइन अली आपको शायद बेहतर पॉइंट्स दे सकते हैं। इधर से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी अगर चल गई तो शायद केएल राहुल आपको बेहतर पॉइंट्स दे सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। शायद केएल राहुल देखिए ज्यादा मैचेस में फेल होंगे नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा तो मैच में एक में धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि राहुल आपको बढ़िया बल्लेबाजी करे। अगर राहुल पर भी आप डर रहे हैं, दाव नहीं लगाना चाहते, तो आप यहां पर स्टोइनिस पर दाव लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से स्टोइनिस पर दाव लगाना आपके लिए बेहतर होगा, शायद मेरे हिसाब से बेहतर होगा। इधर भी स्टोइनिस ऑलराउंडर है, इधर मोइन अली ऑलराउंडर है, दोनों पर आप दाव लगा सकते हैं, दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों को बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के मटेरियल है, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के मटेरियल है। अब और ऑप्शंस बता देता हूं मैं आपको, और ऑप्शंस क्या है कि आप रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाज को वाइस कैप्टन बना सकते हैं या कैप्टन भी बना सकते हैं। मेरे भाई रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेना सीखो। पता है जो गेंदबाज विकेट टेकर है, जो गेंदबाज विकेट टेकर है उसको कैप्टन बनाकर रिस्क लेना सीखो, क्योंकि अगर उसने 4 विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिए जैसे पिछले मुकाबले में वुड ने लिए थे, तो वो आपको बल्लेबाज से भी ज्यादा पॉइंट्स देगा। तो ऐसे अगर रिस्क लोगे, देखिए भाई करोड़पति बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसे रिस्क लेना सीखो अगर आपको करोड़पति बनना है, क्योंकि आप बिश्नोई जैसा गेंदबाज है वो 3-4 विकेट चटका सकता है, अगर 3-4 विकेट चटका दे तो बल्लेबाज से ज्यादा पॉइंट आपको दे देगा, एक आध कैच भी अगर हाथ में आ गया तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर आपको बिश्नोई जैसा गेंदबाज मजेदार साबित हो सकता है। उसके बाद में यहां पर आप दीपक चाहर जैसा खिलाड़ी जो विकेट भी चटका सकता है और कुछ रन भी बना दिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे खिलाड़ियों पर आप भरोसा जता सकते हैं, जडेजा जैसा खिलाड़ी को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन भी बना सकते हैं, रन बना दिए और विकेट भी चटका दिए, 3-4 विकेट भी ले लिए तो मजा आ जाएगा। तो ऐसे खिलाड़ियों को कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं, ये अपने विवेक से आप देख लेना। 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, जडेजा, मोइन अली, इधर से स्टोइनिस और बिश्नोई, ये 4 खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेहतर विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प ये 4 खिलाड़ी हैं। उसके बाद में कोनवे को भी आप आजमा सकते हैं, राहुल को भी आप आजमा सकते हैं, ये विकल्प आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के हमेशा बने हुए। तो ये चीज ध्यान रखा करो हमेशा कि जितना ज्यादा रिस्क लेकर खेलोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है, जितना ज्यादा सेफ खेलोगे, सेफ खेलने पे आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, आपको 10 मिल जाएंगे, 50 रुपए वापस आ जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। तो रिस्क लेना सीखो अगर आपको बड़ा अमाउंट जीतना है तो आपका हमेशा देखिए, हर मैच की प्लेइंग 11 में आप लोगों को बताऊंगा, इसी तरीके से समझाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर मैच की प्लेइंग 11 आपको मिलेगी, यहां पर मिलेगी, प्लेइंग 11 भी मिलती है आपको, फैंटेसी टिप्स भी यहां पर मिलती है और एक्स फैक्टर भी खिलाड़ी मिलते हैं और बाकी खबरें भी हम लगातार आप लोगों को देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।